कर्नाटक के बीजेपी विधायक मदन विरूपाक्षप्पा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल विरूपाक्षप्पा को बेंगलुरु के कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने विरूपाक्षप्पा को 1 अप्रैल तक लोकायुक्त पुलिस की हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। मालूम हो कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी नेता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद चन्नागिरी विधायक को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद विरूपाक्षप्पा को मेडिकल जांच के लिए बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। इसके बाद उन्हें लोकायुक्त ऑफिस भेज दिया गया, जहां शुरुआती पूछताछ हुई। वह अदालत में सुनवाई के दौरान लोकायुक्त ने एमएलए पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया, साथ ही उनकी 10 दिनों की हिरासत की मांग की। हालांकि विधायक के वकील ने पुलिस हिरासत पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि वो कई बार पूछताछ के लिए पेश हुए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत दी। इस बीच विरूपाक्षप्पा के वकीलों ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया है। बता दें, चन्नागिरी विधायक का बेटा प्रशांत एमवी ठेकेदार से 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। इसके कुछ दिनों बाद विरूपाक्षप्पा को अंतरिम जमानत मिल गई थी। सूत्रों ने बताया कि विधायक के बेटे के नकदी के साथ पकड़े जाने के बाद छापेमारी की गई, जिसमें उनके घर से करीब करीब 8 करोड़ रुपए की बिना हिसाब किताब की रकम का पता चला। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामला सरकारी कंपनी को रसायनों की आपूर्ति का ठेका आवंटित करने के लिए रिश्वत मांगने और प्राप्त करने से जुड़ा है। केएसडीएल के अध्यक्ष रहे विरूपाक्षप्पा पर उनके बेटे केएएस अधिकारी प्रशांत मदल के माध्यम से रिश्वत मांगने का आरोप है। बिल पास करने के लिए 81 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। बाद में विरूपाक्षप्पा के घर से 7 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की गई। प्रशांत को इस मामले में 2 मार्च को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लोकायुक्त पुलिस ने तब से मामले में 4 और गिरफ्तारियां की हैं। इस घटना के बाद बीजेपी विधायक ने केएसडीएल के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।